हमारे साथ बिजेंद्र सिंह खालसा जी हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं और रविदास जी समाज के वो गुरु हैं जिनकी एक आवाज पे सैकड़ों लोग जमीनों पे उतर आते हैं। आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज क्या कारण है कि रविदास जी समाज के लिए पूरा देश, पूरी दिल्ली, पूरी जाम हुई पड़ी है, त्राही त्राही हुई पड़ी है, चारों तरफ देखो वहाँ जाम ही जाम है, क्या विशेष कारण? देखिए, ये किसी जाति समाज धर्म की बात नहीं है, ये बात है इंसानियत की, जिसके लिए गुरु जी ने अनेकों समय तक, काफ़ी समय तक उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने संघर्ष से खुश होकर के सिकंदर लोधी ने उनकी जगह, उनको दर्शन बेटा दी जी। जितना कर्म महाराज रविदास जी संसार के अंदर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने खातर संसार के अंदर जी, एक जाति से ऊंचे उठ के बात करने के लिए, इंसान को सिखाने के लिए, एक सिख को, सिख माने स्टूडेंट, सीखने वाला जी, एक दुनिया के एक जीव को सिखाने के लिए संसार के अंदर मुक्त करने के लिए गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश हुआ जी। जब गुरु रविदास जी महाराज के जो विचार हैं उनके ऊपर आहत हो रहा है, उनके ऊपर हमला हो रहा है, इस आहत को सड़कों पर लेके निकालेंगे कैसे, उसको आहत को खत्म करेंगे? देखिए, इस देश का हजारों साल का इतिहास है, हजारों साल गुलाम रहे हम लोग, हम लोग मतलब ये हमारा हिंदुस्तान, खाली एक जात, एक धर्म, एक बिरादरी की बात नहीं, हजारों साल जी। मुगलों ने हमारे को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जी, जब हम खुश थे। अब हमारे ही आदमी हमारे कोई जबरदस्ती अब क्या बनाना चाह रहे भाई? आपने बताया सैकड़ों साल से हम लोग पिटते हुए आ रहे हैं, हमारा शोषण होता हुआ है, तो अभी और सैकड़ों साल तक आप अपना शोषण करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, अब तो बहुत हो चुका है यार, इतना अब तो शरीर भी बेकार हो गया। कई लोग बेचारे जो बुजुर्ग हैं, हम रोज देखते हैं, कल मुझे फोन लगा। क्या रणनीति रहेगी आपके आगे की आगामी? हमारी जो रणनीति है क्रांति की रणनीति है, हम गुरु के सिख हैं जी, हम गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलेंगे जी। महाराज का हुक्म है, जब बाण लागे तब रोष जागे जी। अभी जो बाण, जितना बाण लग चुका है उससे ज्यादा बाण लगेगा तो फिर रोष तो जागना ही है जी। अगर आपकी बातों को नहीं माना जाएगा 1921 को तो क्या करेंगे आप? वो फिर हमें अपने मन में मारे, हम क्यों बताएं किसी को हम क्या करेंगे जी? अगर हम दुनिया को बता, समाज की बात करते हैं, समाज को साथ लेके चलते हैं, तो समाज को आपको बताना भी पड़ेगा कि आपकी आगे की रणनीति क्या है। समाज ये क्रांतिकारी समाज है, यह पहले वाला समाज नहीं रहा, ये 21वीं सदी का समाज है जी। इस समाज को पता है अगले पैर क्या करना होता है जी। जो खाना सवेरे खाया वो शाम को नहीं खा सकते जी। हर समय एक नया समाज चाहिए, ऐसे ही जिंदगी में जीने के लिए भी नई एक राह चाहिए होती है। सो राह सामने मिल चुकी है, क्रांति की राह, जो गुरु, जो विद्वान महापुरुष इस देश के सानू सिखा के गए हैं, सानू सिखा दे के गए हैं, ऐसी उस सिखा के कारण, उसी सिखा के होते हुए हम इस रोड पर आए हैं। हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं यहाँ पर जमीन पे बैठी हुई हैं, हम इन बहनों से पूछेंगे। बहन जी, कहाँ मंदिर बनाने की मूड में हैं आप? जहाँ पर डीडीए ने हमारे भैरवर का मंदिर तोड़ा है, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आप देख रहे हैं इतनी तपती गर्मी है, इसके बावजूद भी इन बहनों की आवाजें कम नहीं हो पा रही है। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मंदिर तो वही बनेगा, वही बनेगा, वही बनेगा, मंदिर तो वही बनेगा, वही बनेगा। बहुजन समाज के लोगों का सैकड़ों की तादाद में इतना बड़ा पूरी दिल्ली जाम करने का विशेष कारण क्या है? मनुवादी सरकार ने हमारे धर्म गुरु गुरु रविदास जी के घर को तोड़ा है। बहुजन समाज के लोग मनुवादी की बात करते हैं, लेकिन मनुवादी सरकार को वोट भी देके बहुजन समाज ही बनाता है। लेकिन क्या है कि हमारे पास जो है, हमारे लोगों को बेला फुसला लिया जाता है, हमारे लोग गरीब हैं, ये जो है किसी छोटे मोटे लालच में आ जाते हैं, लेकिन अब आगे नहीं चलेगा। हम इनके 33 करोड़ देवी देवताओं को जो काल्पनिक है उनको घरों से निकाल के बाहर फेंकेंगे और इनका मनुवाद। तो एक वीडियो हमने देखा था, उस वीडियो में आपने कहा था कि अगर हमारी 21 तारीख तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम सारी महिलाएं मिलकर बहुजन इन मंदिरों में से भगवानों की मूर्तियों को भी बाहर निकालेंगे। बिल्कुल 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 निकाल कर फेंकेंगे। और इनके तो काल्पनिक 33 करोड़ हैं, हमारे तो
वास्तविक धरातल पे सब कुछ है। हमारे ये जो गुरु रविदास जी है, इन्होंने ये हमारे ही गुरु नहीं, 85% के गुरु नहीं, ये सिखों के भी गुरु है, ये मुस्लिमों के भी गुरु है, और उनके गुणों के आधार पर उन्हें पूरा विश्व जो है मानता है। तो हमारे गुरु का घर हम माना जाए कि अगर 21 तारीख को आपकी बातें नहीं मनाई तो कुछ देश के अंदर बड़ा होने वाला है। हाँ, हम बिल्कुल अपनी जान पे खेल जाएंगे और गुरु का घर बनवा के रहेंगे। हमें अपने घर से पहले अपने गुरु का घर चाहिए और उसके लिए हम हर सब में कोशिश करेंगे। हमारे साथ बॉलीवुड की वो नामचीन हस्ती हैं जिनको देखने के लिए लोग पर्दों पे जाते हैं, सिनेमा घरों पे जाते हैं या उनको देखने का इंतजार करते हैं, जसवंत सिंह जाटव। जसवंत सिंह जाटव जी, आपका आज सड़कों पर आना, इस तरीके से घूमना, क्या क्या विशेष कारण? कारण ये है, अपने कौम के लिए तो हम रोड पर भी बैठ जाएंगे जी। अपने कौम के लिए तो अगर कौम ये कहेगी ना कि भाई जहाँ हमने मुता है ना वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, कौम के लिए मरते हैं हम जी। और कौम के लिए आना चाहिए सबको, अपने घर से निकल के राजा ना बने कोई भी। बाबा साहेब के ही वजह से आज लोग, बाबा साहेब के संविधान की वजह से ही आज बड़ी बड़ी कोठियों और महलों में बैठे हैं जी। अगर बाबा साहेब ना होते ना, बाबा साहेब का संविधान ना होता, तो आज वो लोग ना नालियों में ना कहीं रोटी ढूंढ रहे होते। जसवंत भाई, क्या कारण है कि 21 तारीख का भी आंदोलन होने वाला है, उसके अंदर भी लोग राजनीति करने के उसमें हैं? उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राजनीति न करें, सामाजिक काम है, श्रद्धा का काम है, ये हमारा पूरा बहुजन समाज का काम है, और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस पे भी अपनी राजनीति दिखाने दिखा रहे हो जो तुम लोग, इसको खत्म करके एक मंच पे एक जगह खड़े होकर इस मंदिर को बनवाने का काम करें पूरा पूरा। किसी भी मंदिर की तरफ नजरें नहीं उठाई जाती है, बहुजन समाज के मंदिरों को आराम से तोड़ दिया जाता है, क्या कारण? उसका कारण ये है कि हमारा बहुजन समाज बिखरा पड़ा है अभी, अन्य नाम के संगठनों में, अन्य पार्टियों में, उनको एक मंच पे एक जगह खड़ा होना पड़ेगा, एक जगह एक पार्टी चुननी पड़ेगी, तभी हमारा समाज मजबूत होगा और दूसरा आदमी आंख उड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। इसी का आज ये छोटा सा ट्रेलर दिखा रहे हैं हम, यहाँ सारा समाज एक साथ खड़ा है और सिख समाज भी हमारे साथ है, ये देख लेना। इस मनुवादी सरकार को एक चीज और बता दूं, कितना भी प्रयास कर ले मंदिर तो बेटा वहीं बनेगा। कहते हैं मुस्लिम समाज भी इसमें बहुत दबकर बढ़कर चढ़ कर आया, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पर मुस्लिम समाज भी हमारा सहयोग कर रहा है, सिख समाज भी कर रहा है, वाल्मीकि समाज भी कर रहा है, पूरा बहुजन समाज साथ है। हमारे साथ रविदास जी, समाज के वो गुरु जी हैं जिनकी एक आवाज पे लाखों लोग चले आते हैं। गुरु जी, क्या रणनीति है आज की? आज